हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? तो भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज की अपनी सुबह हो रही है लोहाघाट से। मैं हूँ अभी लोहाघाट में और मेरे पीछे आप जो है लोहाघाट की खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो। तो आज हम जाने वाले हैं यहाँ के सबसे हॉन्टेस्ट प्लेस में, जिसका नाम है एबर्ट मॉन्ट। हम भी तो देखें आखिर क्या है उस प्लेस में ऐसा जो यहाँ के लोगों के दिलों में अभी तक वहाँ का खौफ बना हुआ है। फिलहाल आप लोग यहाँ का सीन चेक करें गाइस, लोहाघाट का। और यहाँ पर क्लाइमेट भी काफ़ी ठंडा है। अभी देखो बादल लगे हुए पूरे प्लेन्स में, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे और यहाँ इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और आपको जो ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये ना गाइस ठंड के टाइम पे पूरे बर्फ़ से भर जाते हैं। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और जब भी इनके ऊपर बर्फ़ गिरेगी और जब भी पूरे बर्फ़ से ढक चुके होंगे ना, तो सोचो क्या व्यू होगा इन पहाड़ों का। अभी हम लोग इतने जने जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है बिल्कुल भी। तो अकेले ना जाए, साथियों के साथ जाए वहाँ हमेशा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एबर्ट मॉन्ट। ये जो पीछे रास्ता था काफ़ी ख़राब रास्ता है, यहाँ पे बना नहीं है अभी अच्छे से। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी तो इसे कीचड़ हो गया है पूरा। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है एबर्ट मॉन्ट। ये है गाइस एबर्ट मॉन्ट का चर्च। देखिए कैसी हालत हो गई इस चर्च की, और एक खिड़की भी टूटी हुई है। और इसके अंदर देखिए यहाँ टेबलें रखी हुई है सारी, वो पहले स्टेज होगा बट अभी ये पूरा खंडर बन चुका है गाइस। और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस एल के एबर्ट, इरेक्टेड बाय हिज हस्बैंड इन 1942। आइज 1942 में ये बनाया गया था। और अभी इसकी हालत देखो कैसे जंगल के बीच में है। ये देखो हमारे चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बीच में है एबर्ट मॉन्ट। पीछे चलते हैं हम लोग, शायद पीछे से दरवाजा है जहाँ से हम इसके अंदर जा सकते हैं। और ये सीन चेक करें आप, और ये है ना नीचे का व्यू। ये नीचे जो है सारी कब्रें हैं। और ये देखिए बहुत क्या बुरा माहौल। तो अभी यहाँ पीछे से भी दरवाजा है नहीं बट खिड़की खुली है यहाँ पे, तो इसी से चलते हैं हम अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। ये देखिए अभी अंदर आ गए हम इस चर्च के। और ये है चर्च, यहाँ पे स्टेज होगा शायद। और ये टेबल्स देखो आप लोग किस तरह से पड़ी हुई है गाइस। 90s का ये चर्च है, देख सकते हो आप कितना पुराना चर्च है। और ये टेबल्स देखो टूटी फूटी पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया गाइज़। यहाँ सुनसानी, बस सुनसानी चारों तरफ। सो गाइज़ ये था एबर्ट मॉन्ट जो हमारे पीछे है यहाँ का चर्च। और इसी के जस्ट नीचे पे है कब्रे। अभी हम लोग जा रहे हैं कब्र देखने, वहाँ कब्रे ही कब्रे। ये देखिए गाइज़ यहाँ है कब्र, ये है कब्रिस्तान। और यहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे तो दिख नहीं रहा है, एज 83 में डाए हुए थे एंड रिप रेस्ट इन पीस। और ये कब्र देखे, ये
ये भी है और एक आगे भी है। ये देखिए कब्र, एक कब्र वो है, एक ये है, एक ये है, एक देखिए कब्र ही कब्र है यहाँ। और यहाँ भी शांति हो चुकी है चारों तरफ। इस कब्र के बगल में एक पत्थर पड़ा है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस मार्बल के पत्थर में, इन लविंग मेमोरी ऑफ नील टाइसन। और भी लिखा है डेथ वगैरह एंड एज्ड 18 मंथ्स सेव इन द आर्म्स ऑफ जीसस। और यहाँ का माहौल देखिए गाइस, सुनसानी है हर तरफ, बस सुनसानी, ज़्यादा कोई आता भी नहीं है यहाँ। रास्ते में भी देखिए काई जम चुकी है। सो गाइस, ये था अबॉट माउंट लोहा घाट पे, जिसे भूतिया प्लेस माना जाता है और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं बाहर से भी, तो यहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं। तो आज हमने आप लोगों को दिखा दिया है क्या है यहाँ। यहीं एक और जगह है तो हम लोग अभी यहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखते हैं क्या है देखने लायक। यहाँ पहले हमें एंट्री करानी पड़ रही है, एंट्री कराने के बाद हम लोग टिकट लेके अंदर जाएंगे। 10 रुपये की टिकट है, टिकट कटाने के बाद हमें अंदर एंट्री मिलेगी। यहाँ कॉटेजेस बने हुए हैं लोग रहने के लिए, कोई टूरिस्ट आते हैं तो। और यहाँ लिखा है अबॉट माउंट कुमाऊं, हिमाचल की प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह विश्व की सबसे लंबी ऊंची चौड़ी पर्वत श्रृंखला कुमाऊं की प्रकृति की गोद में है। इस व्यू पॉइंट के लिए आया गाइस हम यहाँ से, यह है व्यू पॉइंट। तो यहाँ से नीचे पूरा व्यू दिखेगा हमें, सबसे ऊंची जो है चोटी है, यह है व्यू पॉइंट गाइस। ये व्यू देखने के लिए हमने 10 रुपये दिए है। व्यू देखे आप लोग यहाँ से, और सामने तो बादल नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं एकदम, कितने प्यारे लग रहे हैं। और नीचे तक देखिए आप ये रोड और ये वादियाँ और ये मौसम, क्या कहना है इनका। भाई लोग और आए हुए हैं यहाँ और फोटोशूट चल रहा है इनका। और यहाँ हमारे राहुल भाई यार, इसमें मैं तो नहीं दिख रहा हूँ, फोटोग्राफर। एक फोटो और एक भैया को ले। हम जो है चल ही रहा है इस प्लेस पे अभी, ये देखिए यहाँ लगे लोग काम कर रहे हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं। एक व्यू पॉइंट ये भी है लास्ट पे, लास्ट में भी एक, यहाँ से दिखाते हैं हम आपको। ये है व्यू, ये वाला व्यू देखने के लिए बना हुआ है। कहाँ है, क्या है सामने, सामने क्या है, नेपाल है, कौन सा वाला बोल रहे हैं, सामने नेपाल है। तो गाइस, होप आप लोगों को ये लोकेशन पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और ज़रूर से जो है इस लोकेशन पे जब भी लोहा घाट आओ तो विजिट ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वक्त पे, देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।